शैतानवाजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट क्लास 3। आज हमारा उर्दू का लेक्चर नंबर है 23। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है कि टिड्डे मियाँ की पिटाई की हमने सबक की पढ़ाई कर ली थी ना, आज हमने उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, फर्स्ट 3 क्वेश्चन आंसर हमने आज अपनी अपनी कापियों पर राइट करने हैं। आप लोग भी वैसे ही कापी बना लें जैसे मैंने बनाई है, मार्जिन लाइन लगा लें। क्वेश्चन आंसर है, कहानी का कोई और नाम तजवीज़ कीजिए। अच्छा जी, अब कहानी का को कोई और नाम बनाना है। वैसे तो कहानी का नाम है ना टिड्डे मियाँ की पिटाई, तो यहाँ पे कोई और नाम बनाते हैं। हम यहाँ पे बनाते हैं नादान टिड्डा और शहद की मक्खी। ठीक है, अगर आप रानी मक्खी की जगह होते तो क्या फ़ैसला करते? अगर हम रानी मक्खी की जगह होते तो यही फ़ैसला करते, यानी टिड्डे मियाँ को सजा देते। अब आप ये 5 सेकंड की वीडियो में ये पहले 2 क्वेश्चन देख लें, फिर मैं आपको 3 वाला क्वेश्चन देख दिखाती हूँ, फिर आप लोगों ने अपनी अपनी कापियों पे ये राइट करना होगा मस्ट। ओके जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया? तहरीर कीजिए। अच्छा, आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया है? हमने इस कहानी से ये सबक हासिल किया है कि अपने मुफाद की खातिर दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस टिड्डे ने क्या किया था, शहद पी के, सही है, और उनसे सामान लूटना चाहा, शहद लूटना चाहा और उनको बेहोश कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाहिए कि अपने मफाद की खातिर दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। ठीक है जी, आप 5 सेकंड में अब ये देख लें क्वेश्चन नंबर 3। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।